नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। दो बार के ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मैदान पर अपना खून पसीना बहाकर बुलंदियों पर पहुंचने वाले सुशील ने बीजिंग और लंदन ओलंपिक में देश के हर खेल प्रेमी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। उनकी इस मेहनत को हर किसी ने सम्मान भी दिया। उनके खून पसीने को सम्मान पद्म अवार्ड के रूप में उन्हें मिला, मगर अब उन्होंने उसी सम्मान को किसी और का खून बहाकर लगभग गंवा दिया है। सुशील कुमार 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपों में सलाखों के पीछे हैं। उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सुशील की इस हरकत से पूरे देश को झटका लगा है और अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इस बीच यह भी मांग की जा रही है कि उनसे सभी सम्मान वापस ले लिए जाएं, जिसमें पद्म अवार्ड भी वापस लेने की मांग की जा रही है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनसे यह बड़ा सम्मान वापस ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह जानने के लिए हमने ओलंपिक खेलों से जुड़ी वेबसाइट को खंगाला। उसमें पता लगा कि सुशील की तरह 13 और ओलंपियन भी ऐसे हैं जिन्हें हत्या, मानव तस्करी या यौन शोषण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है और जेल भी भेजा गया है। कुछ मामलों में ओलंपियन खिलाड़ियों ने कोर्ट में दोषी भी करार दिया गया है, जिसमें ब्लेड रनर के तौर पर मशहूर पैरा ओलंपियन ऑस्कर पिस्टोरियस का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी ही गर्लफ्रेंड की 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन ओलंपिक पदक ऑस्कर पिस्टोरियस से भी वापस नहीं लिया गया, क्योंकि ओलंपिक के लिए बनी कमेटी उन्हीं खिलाड़ी से पदक वापस ले सकती है जो शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान एस्टेरॉइड्स के सेवन के दोषी पाए जाए। पदक मिलने के बाद अगर कोई खिलाड़ी किसी अपराध को अंजाम देता है तो उस आधार पर उसके अर्जित किए गए पदक वापस नहीं लिए जा सकते हैं। ऐसे में ओलंपिक पदक सुशील कुमार से भी वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हत्या के मामले में आरोपी सुशील कुमार पर अगर कोर्ट में भी अपराध साबित हो जाता है तो ओलंपिक पदक उनके पास ही रहेंगे। जहां तक उनको राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान और अवार्ड की बात है तो वह भी उनके दोषी साबित होने से पहले वापस नहीं लिए जा सकते। खेल मंत्रालय की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जब तक कोर्ट द्वारा सुशील कुमार को हत्या के मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तब तक खेल मंत्रालय भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा देश में माना जाता है कि जब तक कोर्ट द्वारा सुशील कुमार को हत्या के मामले में दोषी नहीं ठहराया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार का हम उनसे अर्जुन अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड वापस नहीं ले सकते हैं, तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। हमारे देश में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, यानी तकरीबन पद्म पुरस्कारों को मिलने का सिलसिला शुरू हुए 7 दशक पूरे को होने को है। लेकिन अभी तक के पद्म पुरस्कारों के इतिहास में भारत सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को जिसे पद्म पुरस्कार दिया गया है उसे यह पुरस्कार सरकार के द्वारा वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में सुशील कुमार से पद्मश्री पुरस्कार सरकार द्वारा वापस लेने की गुंजाइश भी न के बराबर है। हालांकि सरकार पर अपना विरोध दर्ज करने के लिए पद्म पुरस्कारों को लौटाने या फिर किसी व्यक्ति के नाम की घोषणा होने के बाद ठुकराने के कई मामले जरूर हैं। जैसे मशहूर लेखक और पत्रकार सुखवंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 1984 में पद्म भूषण वापस कर दिया था। एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान ने 2015 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनसे कहीं जूनियर एक्टरों को यह पुरस्कार बरसों पहले ही दे दिया गया था। जस्टिस J.S. वर्मा के परिवार ने भी मरणोपरांत पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा कभी पुरस्कारों के पीछे नहीं भागे। निर्भया केस के बाद महिलाओं पर हो रहे यौन हिंसा के मामले में कानून में बदलाव जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद ही हुआ था। इसके अलावा भी दर्जन भर से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो पद्म पुरस्कार वापस कर दिए हैं या फिर लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने के बाद अभी तक यह उससे वापस नहीं लिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि क्या सुशील कुमार जो अभी आरोपित हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं पूरे तरीके से, तो क्या उनसे पद्म पुरस्कार वापस लिया जाएगा या नहीं। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें SCN न्यूज। शुक्रिया।